हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग उस दिन देखे थे स्टेटस बार में टॉगल कीज़, ग्रिड मोड, अर्थ मोड, ओ स्नैप और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ये सारे देखे थे। आपको मैं पीपीटी में शो किया हूँ। अभी यहाँ पे देखो, ग्रिड मोड टू शो ग्राफिकल डिस्प्ले, अर्थ मोड टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, और ओ स्नैप कल बताया था ऑब्जेक्ट स्नैप टू शो रेफरेंस पॉइंट ऑफ ड्राइंग, और ट्रैकिंग टू टेक रेफरेंस लाइन। यू कैन क्रिएट ए स्क्रीनशॉट हियर टू सेव दिस पीपीटी, देन गो टू ऑटोकैड। ओके ओके गाइज, हम लोग उस दिन देखे थे लास्ट क्लास में कैसे यूनिट सेट करते हैं, यूएन एंटर करके, देन डेसिमल, देन प्रिसिशन, देन स्केल का हम लोग हैं मिलीमीटर, देन ओके करते हैं। और यहाँ पे स्टेटस बार पे कुछ देखे थे ग्राफिकल एरिया, और ये आपका ऑर्थो का काम क्या होता है, ओ स्नैप का काम क्या होता है। ओ स्नैप मतलब ऑब्जेक्ट स्नैप, कोई ऑब्जेक्ट बनेगा उसका पॉइंट, मिड पॉइंट, एंड पॉइंट स्नैप करेगा वो, ठीक है। यहाँ पे भी एक सेटिंग रहता है, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, सॉरी यहाँ पे आओगे ड्रॉप डाउन आरो में, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में जाओगे, इस तरह का आपको फ्लोटिंग विंडो दिखाई देगा। यहाँ पे क्या होता है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग में, ये सारे देखो एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ये सारा चेक रहना चाहिए। अनचेक नहीं करना है, सारे को चेक करके सिलेक्ट ऑल करके ओके करना है। तो जो भी पॉइंट आप कुछ ड्राइंग बनाओगे वहाँ पे शो करके, जैसे कि मिड पॉइंट हो गया, एंड पॉइंट हो गया, ठीक है। देन आज हम बताए थे कि लाइन सीखेंगे, लाइन ड्रॉ करना और पॉली लाइन, सर्कल, ये सारे ड्रॉ करना है, कैसे ड्रा करेंगे। पहले तो यूनिट सेट किए हैं, लिमिट सेट बताए थे, LIMTS एंटर, 0.0 एंटर। नहीं देखे हो वो प्रीवियस क्लास देख सकते हो, ठीक है। 0.0 एंटर, देन मैं 100.100 ले रहा हूँ, जेड एंटर, देन ए एंटर। आते हैं यहाँ पे देखो, रिबन बार में होम टैग पे अंदर ड्रॉ पैनल, यहाँ पे लाइन मिलेगा आपको। लाइन से कैसे बनाओगे लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक नहीं हो यार, जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया, देन माउस को आपको डायरेक्शन दिखाना है किस तरफ जाना है। एक क्लिक किया, अभी डायरेक्शन दिखाना है ऊपर की तरफ, मतलब वाई प्लस वाई एक्सिस के ऊपर की तरफ, या माइनस के नीचे की तरफ, या राइट की तरफ एक्स, या एक्स माइनस, ठीक है। जैसे मैं अभी फिलहाल राइट की तरफ रखता हूँ कर्सर को, देन क्लिक करता हूँ। तो क्या होता है, जहाँ पे मैं क्लिक किया वहाँ से वो कट टूट गया था लाइन, देन फिर से मैं क्लिक किया एक, देखो यहाँ से टूट गया और ऊपर नहीं जाएगा, देखो फिर से मैं यहाँ पे क्लिक किया, देखो टूट गया, देन यहाँ पे क्लिक किया, इस तरह लाइन बना। अभी स्ट्रेट क्यों बना है, क्योंकि मेरा ऑर्थो जो ऑप्शन है, ऑर्थो वाला ऑप्शन है वो ऑन था, ऑर्थो वाला जो ऑप्शन था मेरा ऑन था, देखो ऑन है, इसीलिए ब्लू कलर है, मतलब ऑन है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन बना। और मान लो ऑर्थो को मैं बंद कर दूंगा, बंद कर दिया ऑर्थो को मैं, अभी मैं कर रहा हूँ लाइन, यहाँ से कमांड ले रहा हूँ, या एल एंटर कर सकते हैं, कमांड बार से एल एंटर भी कर सकते हैं, एल हमेशा बताया था आपको ये कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, स्पेसिफाई फास्ट पॉइंट, आपको ड्राइंग एरिया में कहीं भी पॉइंट देना है, जैसे यहाँ पे मैं पॉइंट दे रहा हूँ, पॉइंट दे, देखो अभी कैसे हो रहा है लाइन, इंक्लाइंड लाइन, चाहो तो जैसे भी लाइन बना सकते हो, ऐसे मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल छोड़ के बाकी सब जैसे भी लाइन बना सकते हो, दिख रहा है। तो इंक्लाइन लाइन बनाने के लिए आपको ऑर्थो को ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑर्थो ऑफ है मेरा, इसलिए अभी इंक्लाइन लाइन बना, मान लो अभी कमांड के अंदर हूँ मैं, अभी ऑर्थो को ऑन कर रहा हूँ माउस लेके, तो स्ट्रेट लाइन हो रहा है,
कमांड से रिलीज होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एस्केप, कीबोर्ड में पूरा कर्नर में अपर कर्नर पॉइंट, लेफ्ट अपर लेफ्ट कर्नर पॉइंट, एस्केप एक बटन रहता है कीबोर्ड में की, उसको प्रेस करना है तो कमांड से रिलीज हो जाओगे, ठीक है। या राइट क्लिक कैंसिल भी कर सकते हो, जैसे मैं लाइन बना रहा हूँ, लाइन नहीं चाहिए, राइट क्लिक कैंसिल लाइन, देन माउस में राइट क्लिक करना है एंड कैंसिल करना है, ओके। तो टू रिलीज ये कमांड आपको क्या करना है, एस्केप दबाना है, ठीक है। कीबोर्ड में एक एस्केप है, उसको प्रेस करना है, तो कमांड से रिलीज हो गया मैं और लाइन कमांड बना रहा हूँ। अभी देखो मैं कुछ कर रहा हूँ ऐसे, तो माउस का तीन चार चीज़ फंक्शनल की है। माउस में क्या होता है, जो स्क्रोल बटन होता है, माउस में जो स्क्रोल बटन होता है उसको प्रेस करके रखोगे तो वो पैन होगा, मतलब पेज मूव होगा, प्रेस करके मूव करना है माउस को, तभी पेज मूव होता है, ड्राइंग मूव नहीं होता है, पेज मूव होता है। देखो पैन हो गया, उसको पैन बोलते हैं, जैसे यहाँ पे नेविगेशन बार में बताया था पहले क्लास में। यहाँ पे आप कमांड ले सकते हो, अदरवाइज स्क्रोल बटन को प्रेस करके होल्ड करके रखना है, देन माउस को जिधर आपको मूव करना है उस तरफ लेना है, ओके। ये हो गया पैन। जूम इन जूम आउट कैसे होता है, माउस में आपका स्क्रोल बटन को फॉरवर्ड करोगे तो जूम होगा, बैकवर्ड करोगे तो जूम आउट होगा, समझ में आया। स्क्रोल जो है माउस में, स्क्रोल या MB2 माउस बटन 2, उसको जूम करोगे मतलब फॉरवर्ड करोगे स्क्रोल को तो जूम होगा, बैकवर्ड करोगे तो जूम आउट होगा, ठीक है। इस तरह थोड़ा थोड़ा माउस का कंट्रोल के कंट्रोल है। देन राइट क्लिक करोगे तो रिसेंट कमांड कुछ लिए थे वो चीज़ें आपको दिखाई देगा, उसको बोलते हैं, देखो यहाँ पे रिसेंट कमांड हम लाइन जूम लिमिट्स लिए थे, ओके। देन आपको क्या करना है, लाइन तो बना दिया, लाइन कैसे डायमेंशन लेके बनाएंगे, विथ डायमेंशन जो हम लोग यूनिट सेट किए हैं कुछ mm, मतलब 50 mm का मेरे पास एक लाइन चाहिए मुझे, वो लाइन कैसे बनाएंगे। फिर से मैं जाता हूँ लाइन कमांड लेता हूँ माउस से, देन कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ देखो ड्राइंग एरिया में, देन आपको डिरेक्शन दिखाना है किस तरफ जाना है। मान लो मुझे वाई प्लस ऊपर की तरफ जाना है, माउस को ऐसे छोड़ दिया, देन आपको कमांड बार में जाके कमांड लाइन में क्या लिखना है, कमांड बार में जाके कमांड लाइन में क्या लिखना है, क्या पूछा स्पेसिफाइन एक्सपर्ट, यहाँ पे आपको डायमेंशन देना है, माउस को क्या करना है डायरेक्शन दिखाना है ऊपर की तरफ, देन डायमेंशन देना है। डायमेंशन मान लो मुझे 40 mm का लाइन चाहिए, 40 mm लिखना है कीबोर्ड में, देन एंटर करना है, देखो 40 mm का लाइन बन गया मेरा, देखो वहाँ से टूट गया लाइन, दिख रहा है। अभी इस तरफ मुझे आना है राइट की तरफ, माउस को राइट की तरफ रखा, फिर से मुझे मान लो 50 mm का लाइन चाहिए, 50 mm मुझे चाहिए, मान लो फिर से 40 mm दिखाई देगा एंड पॉइंट, ओ स्नैप मेरा ऑप्शन ऑन है इसलिए एंड पॉइंट मिड पॉइंट सब दिखाई दे रहा है अभी, तो स्नैप के मदद से हम लोग ओ स्नैप के मदद से क्लिक करेंगे यहाँ पे। फिर भी अभी कमांड के अंदर है, कैसे करेंगे, कमांड से रिलीज कैसे होंगे, कीबोर्ड में कर्नल में एस्केप बटन रहता है, एस्केप करोगे या राइट क्लिक, लाइन विथ डायमेंशन ऐसा हम बना सकते हैं। समझ में आया, तो लाइन का कमांड यहाँ पे थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, आपको नोट करने के लिए ज़्यादा फायदा होगा। देन पॉलीलाइन देखते हैं, पॉलीलाइन क्या होता है, उसके पास ही देखो पॉलीलाइन है। पॉलीलाइन में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक करते हैं ड्राइंग एरिया में, सेम ही है, सेम डायमेंशन देना है, डायरेक्शन देना है, डायरेक्शन दे के डायमेंशन देना है। मान लो यहाँ पर मुझे
क्या है आपका? जैसे ये हम लोग जो सिलेक्ट कर रहे हैं, जब ये लाइन को सारे सिलेक्ट कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है, सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो रहा है, जो हम लाइन कमांड लेके बनाए थे वो सारे मल्टीपल एंटिटी है, देखो अलग अलग है सारे, उसको मल्टीपल एंटिटी बोलते हैं। ये हो देखो एक साथ सिलेक्ट हो रही है, इसको सिंगल एंटिटी बोलते हैं। ओके गाइज, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये आपको सिंगल सिंगल एंटिटी होता है पॉली लाइन, ये मल्टीपल एंटिटी होता है। क्लियर? लाइन फ्लो इतना ही डिफरेंट है, ये भी डायमेंशन लेके बना सकते हैं, ये भी ले सकते बना सकते। तो अभी जो मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, कुछ डिलीट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, तो सिलेक्शन का आपका थ्री टाइप का है। एक है लोअर लेफ्ट कॉर्नर पॉइंट, नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे, तो कुछ ब्लू कलर का आ रहा है, तो कैसे कर रहा हूँ, पहले क्लिक कर रहा हूँ माउस में MV1 में, फास्ट लेफ्ट क्लिक, देन ऊपर की तरफ, ऊपर कर ब्लू कलर आएगा, फिर से क्लिक, वो हो गया आपका विंडो सिलेक्शन। जैसे ही कुछ ड्राइंग्स है, से कुछ मैं कुछ भी बना देता हूँ इसे, उस फिलहाल अभी देखो ग्राफिक एरिया में, ड्राइंग एरिया में कुछ ड्राइंग्स है, मुझे विंडो सिलेक्शन से ये लाइन को सिलेक्ट करना है। देखो ये देखो स्पॉट सिलेक्शन किसको बोलते हैं, कर्सर जाके वहाँ पे रखना है, कर्सर रख के क्लिक, कर्सर रख के लेफ्ट क्लिक। ओके, इसको बोलते हैं स्पॉट सिलेक्शन, कर्सर रख कर हाईलाइट करेगा लाइन, देन क्लिक, हाईलाइट कर रहा है देन क्लिक, इसको बोलते हैं स्पॉट सिलेक्शन। ये टोटल ऐसे जो सिलेक्ट करते हैं विंडो सिलेक्शन, मतलब जो ब्लू कलर का विंडो आ रहा है पूरा ऑब्जेक्ट शुड बी अंदर रहना चाहिए, इसके भीतर ही रहना चाहिए, ये जो ब्लू कलर का विंडो है इसके भीतर ही ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, इसके अंदर देखो ब्लू कलर है, शुड बी ऑब्जेक्ट शुड बी इनसाइड द ब्लू कलर विंडो। ओके, देन इस तरफ उल्टा इसका जो ग्रीन कलर आ रहा है, कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, राइट लोअर कॉर्नर पॉइंट से ऊपर की तरफ इसे जा रहा हूँ, लेफ्ट से राइट रह रहा था ब्लू कलर आ रहा था, अभी ग्रीन कलर, इसमें डिफरेंट क्या है? ये भी सेम चीज़ विंडो की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट सिर्फ टच होने से ही सिलेक्ट हो जाएगा, वो विंडो को जो सिलेक्शन जो मैं बना रहा हूँ स्क्वायर टाइप का ऐसे ग्रीन कलर का, देखो फास्ट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, देन ऊपर की तरफ ऐसे जाना है, इस तरफ सिलेक्ट जब करूँगा वो ग्रीन कलर को जो भी टच होगा टच होने से ही सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ब्लू कलर जो था मेरा, इसको बोलते हैं विंडो सिलेक्शन, ब्लू कलर जो है विंडो सिलेक्शन, लेफ्ट से राइट की तरफ और राइट से लेफ्ट लेफ्ट की तरफ जो जाते हैं उसको बोलते हैं क्रॉस सिलेक्शन, क्रॉस मतलब टच होने से क्रॉस सिलेक्शन होता है, और एक था स्पॉट सिलेक्शन। ओके गाइज, आपको समझ में आया? जो भी डाउट है मैं नेक्स्ट क्लास फिर से ये बता दूंगा। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास हम लोग सीखेंगे सर्कल विथ डायमेंशन, रेक्टेंगल, आर्क, ये सारी चीज़ हम लोग सीखेंगे ड्रॉ करने के लिए। तो फिलहाल आज इतना है, धन्यवाद।